बारी आ जाए ना कि वर्क फ्रॉम होम के बाद हमें वर्क टू ऑफिस करना है, ये बहुत ज्यादा ना ऐसा लगता है कि कभी हम कभी ऑफिस गए ही नहीं थे या फिर हमें कभी जाना ही नहीं है. इतना मतलब तकलीफ होता है ना आपको कि यार वर्क फ्रॉम होम चल रहा था यार, काफ़ी अच्छा है. कोरोना एक चीज़ बहुत अच्छा दे गया है यार, वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन. अब जब वर्क फ्रॉम ऑफिस के बाद सुनते हैं ना यार, बहुत ही बुरा लगता है यार, सही में वर्क फ्रॉम ऑफिस करना है. सो एनीवेज, जैसे कि आपको पता होगा या नहीं पता नहीं, अभी मैं विप्रो के लिए काम करती हूँ. पहले मैं कॉग्निजंट के लिए काम करती थी, उसके पहले मैं जिनपैक के लिए काम करती थी. हाँ, तो अभी मैं विप्रो के लिए काम कर रही हूँ. विप्रो ने साफ साफ बोल दिया है कि बैक टू ऑफिस होने वाला है, बट अभी हम रेगुलरली ऑफिस नहीं जाते हैं. वीकली ऐसे होता है कि हमें जाना पड़ता है. सो आने वाले मंथ में पता नहीं कब से वर्क फ्रॉम ऑफिस रेगुलर वाले हो जाएंगे, जो कि मेरे को रेगुलरली ऑफिस जाने पड़ेंगे. सो रेगुलरली ऑफिस जाने पड़ेंगे. तो वही चीज़ है कि प्रैक्टिस फिर शायद वो दिन वैसे शुरू हो जाए जैसे पहले हम हुआ करते थे, जाया करते थे. सारी चीज़ें वैसे नॉर्मलाइज हो जाएगी, बट ये बहुत ज़्यादा तकलीफ वाली चीज़ है कि आप इतने कंफर्ट जोन पे रहने के बाद, इतने सालों बाद आप बैक टू ऑफिस जा रहे हो. ठीक है, लाइफ है, आपको तो वो सारी चीज़ें करनी पड़ेगी. और फिर भी आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगता है यार, प्लीज़ कमेंट में बताना. और आपको जिस तरह के कंटेंट चाहिए प्लीज़ बताना. या मैं बहुत सारे चीज़ें ना ऐसे मैंने नोट डाउन करके रखा है कि मैं ये वीडियोज इम्प्लीमेंट करूँगी. बहुत सारे प्लानिंग्स है, तो मैं धीरे धीरे वो सारी चीज़ें एग्जीक्यूट करूँगी. उसके लिए थोड़े बहुत टाइम लगेंगे, बट जैसा भी है, जो भी है, मैं जो भी अभी छोटे छोटे व्लॉग्स डाल रही हूँ, आई होप वो सब आपको अच्छा लग रहा होगा. We'll be right back.
Personality development is that you are going to mimic your personality.